तो दोस्तों, क्या आपने कभी 0.1 मोलर के जिंक सल्फेट की प्रिपरेशन की है? अगर नहीं की है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप 0.1 मोलर के जिंक सल्फेट के वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन की प्रिपरेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर आप इस जानकारी को मिस नहीं करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें 0.1 मोलर का जिंक सल्फेट बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल की आवश्यकता हो। नंबर 1 है जिंक सल्फेट, नंबर 2 है प्रीवियसली स्टैंडर्डाइज 0.1 मोलर का EDTA, नंबर 3 है अमोनियम एसीटेट, नंबर 4 है एस्टिक एसिड अमोनियम एसीटेट बफर, नंबर 5 है एल्कोहल, नंबर 6 है डाइथाइजोन एज इंडिकेटर। अब हम जानेंगे कि 0.1 मोलर के जिंक सल्फेट वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम एक क्लीन एंड ड्राई 1000 ml का एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे और उसमें 100 ml वाटर ऐड करेंगे और अब उसमें 28.8 ग्राम जिंक सल्फेट ऐड करेंगे और उसे स्टेयरिंग करेंगे। अब उसमें 700 ml वाटर ऐड करेंगे, अब उसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसे 1000 ml में वाटर के साथ मेकअप करेंगे। ये तो था प्रोसेस की इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। अब हम जानेंगे कि इसकी स्टैंडर्डाइजेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे जो कि ड्राई एंड क्लीन हो और उसमें 100 ml 0.1 मोलर का EDTA सॉल्यूशन ऐड करेंगे। अब उसमें 10 ml एस्टिक एसिड अमोनियम एसीटेट बफर ऐड करेंगे, 50 ml एल्कोहल ऐड करेंगे और अब उसमें हम 2 ml डाइथाइजोन TS इंडिकेटर ऐड करेंगे। देन अब 0.1 मोलर के जिंक सल्फेट से टाइट्रेट करेंगे और उसे तब तक टाइट्रेट करेंगे जब तक रोज पिंक कलर नहीं आ जाता। रोज पिंक कलर आने पर ब्यूरेट रीडिंग नोट करेंगे और फिर इसकी कैलकुलेशन इस फार्मूले के द्वारा करेंगे, m बराबर मोलरिटी ऑफ EDTA इंटू 10 अपॉन ब्यूरेट रीडिंग। तो दोस्तों, ये तो था प्रोसेस इसकी प्रिपरेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड कैलकुलेशन की ऐसे की जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।